हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृश्य बटन स्टोर। तो और ये देखिए, हम जो लेकर के आए थे कुछ ये गुलाब जो हम दौलत नर्सरी से खरीद करके लेके आए थे, और इनकी कंडीशन जो है थोड़ी सी झुरमुरा सी रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कुछ टहनियाँ टूट गई हैं, तो इनको आज हम रिपोर्ट करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, जो कि हमने धर्मेंद्र भाई से खरीदे थे, जिसकी कॉस्ट आई थी लगभग जो है 50 रुपये के, वो सॉरी 50 का नाम आ रहा है, ये 100 रुपीज़ की, ये 100 रुपये का हमको पड़ा था, जो कि इस डिब्बे में था। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके के डिब्बे में था। तो इसमें मेरे जो है कुछ बहुत ही अच्छे कलर हैं इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ ये देखें, ये मेरा बहुत बढ़िया शानदार कलर है इस वाले फ्लावर का, जो कि मैं छाट करके लेके आया था। और ये हमारा जो है देसी वाला वाइट कलर का रोज़ है, जिसकी देखें ब्रांच मर चुकी है। तो अभी हम इनको निकालेंगे, और निकालने के बाद लगाएंगे, और मैं लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाना है। बहरहाल लगा करके क्या दिखाऊं मैं आपको, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लगाया है। मैं अब आपको इतना लंबा वीडियो दिखाऊंगा तो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। फिलहाल मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं, और मैं अभी आपको सिर्फ वो लगा करके दिखाऊंगा जहाँ पर मेरे जो ऊपर जो छत पर रोज़ गार्डन, जो हमारा एनजी रोज़ गार्डन जो हमने बनाया है अभी अभी, उसके अंदर कुछ गुलाब हमारे सूख चुके हैं, तो उसके अंदर हम इसमें से निकाल करके लगाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितने सारे गुलाब हैं। ये मैंने वहीं निकाल दिए थे मिट्टी में से निकालने के बाद मैंने इस तरीके से, ये देखें ये मेरे हैं, ये देखें ये तो हमारा है एक, और ये दो, दोनों हमारे जो देसी रोज़ हैं, देसी रोज़ जो कि वाइट वाले हैं सफ़ेद कलर के, जो कि इसकी कॉस्ट है लगभग 10 रुपये के करीब, ये मुझको मिला है 10 रुपये का। ये कलम से लगा हुआ है, ग्राफ्टेड नहीं है हालांकि, और यहाँ से भी जो है इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल मैं इसको लगाऊंगा अभी इस वाले गमले के अंदर, और बाकी ऊपर छत पे देखूंगा मेरे कौन कौन से पेड़ सूख चुके हैं। एक ये है मेरा देखें, और एक ये है दूसरा, इनकी हालांकि रखे रखे शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल इसकी जो कंडीशन है, जैसे हम अभी दिखाते हैं आपको, ये वाला हमारा जो है ब्रांच सूख चुकी है, तो हम इसको कर देंगे यहाँ से रिमूव, और यहाँ से इस तरीके से इसको भी रिमूव, इसको भी रिमूव, इसको भी रिमूव, और इसको भी रिमूव। अभी हमारा प्लांट हो गया एकदम बेहतर, देखें अच्छा दिखने लगा, ये भी हमारा अच्छा दिख रहा है, और इसकी रूट तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ही, देखें यहाँ रखे रखे भी, मतलब जो है इस तरीके से नई जो है रूट निकलना शुरू हो चुकी है। और ये हमारा प्लांट रहा, तो इसकी भी थोड़ी सी जो डैमेज है इसकी कंडीशन, तो उसको हम इस तरीके से पूरा ही रिमूव कर देंगे, इसको इतना नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देंगे, और इसको भी रिमूव कर देंगे, और रही बात इसकी भी रिमूव कर देंगे। बाकी हमारा ये भी देखें आप, माशाल्लाह एकदम से कंडीशन बढ़िया हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें अभी फ़िलहाल लगा करके दिखा देता हूँ एक, जो कि मैं लगाने वाला हूँ देसी रोज़। तो मैं आपको बताऊं कि ये देसी रोज़ जो है ये काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें मेरे मिट्टी के अंदर जो रेतीली मिट्टी है, और थोड़ी सी जो है अभी मैंने एनपीके और फंगीसाइड साफ का यूज़ किया है, तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही लगाने वाला हूं। बाद में मैं इनको जो है बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी गमले की व्यवस्था नहीं है। तो देखें इस तरीके से आप लगा दें, ये हमारा जो है इसकी बेचारे की बड़ा हालत ख़राब सी हो रही है फूल की, तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। और इसके अंदर राइस हस्क भी है दोस्तों, जो कि काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल कहलाती है। ये हमारा लगते हो गया है रेडी, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं इस वाले को भी लगा लूँगा, जो मेरा ये वाला है, तो इसको लगाने के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। फिलहाल मैं आपको कंप्लीट वीडियो, अगर आप देखना चाहें कि क्या क्या मैंने मिश्रण लिया है, क्या क्या मिक्सर है मेरी सॉइल मीडिया का, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसकी भी देखें व्यवस्था ख़राब नहीं की है, ये दूसरे वाले इसकी है प्लांट की, और इसकी शूट देखें कितने अच्छे से निकल रही हैं। बहुत खुशी होती है मुझे इस तरीके से अपनी शूट देखते हुए, और गुलाब की। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर, ऊपर दिखाता हूँ मेरे कौन कौन से प्लांट जो है डेड हो चुके हैं। फिलहाल ये हम इस तरीके से ठसक देंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो है प्लास्टिक का डिब्बा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठसकने में हमें। ये देखिए ये हमारे हो गए दोनों कंप्लीट। अब हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी खातिर जो है ऊपर चलें और दिखाएं। फिलहाल अभी मैं इसको जो है यहाँ से निकालूंगा नहीं, इसी के इसी में ही इसको लगाता हूँ, और देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट रहता है। फिलहाल अभी ऐसा नहीं, थोड़ी मिट्टी और खोद लूँ, इसकी गहराई में लगाऊँ। ये तो हमारा
इसका कह नहीं सकते कि कब तक इसका सर्वाइव होगा भी या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो प्लस पॉइंट, नहीं भी हुआ, अगर जंगली रूट भी निकल आई, इसकी सूट निकल आई इसकी, तो हम जो है इसमें ग्राफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा ये रहा, इसमें भी मैं इसको इसी तरीके से लगा दूंगा। इसी तरीके से हम अंदर तक खोदेंगे मिट्टी को, और काफ़ी अच्छी सॉइल है ये, हमारी मिक्सर बना हुआ है जो कि हमने आपको दिखाया था राइस हस्क में बनता है मिलकर वो वाला। तो ये हमारा जो है दूसरा भी रख करके रेडी हो चुका है। और तीसरा कैमरामैन हमारा दिखाने की कोशिश कर, तीसरा कहाँ है कहाँ है कहाँ है हमारा, वहीं बैठे रहे। तो ये रहे दोस्तों हमारे वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।